गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम फॉर यू मैथ्स क्लास। एम फॉर यू मैथ्स क्लास बिग एकेडमी की जानिब से चलाया जाने वाला चैनल है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लिए हैं, जैसे कि टीएस टीआरटी 2017 एसजीटी सिलेबस इन उर्दू, जिसमें हम आपको मज़मून साइंस के सिलेबस के बारे में कुछ अहम नुकात और आप किस तरह तैयारी करें और क्या अहम पॉइंट है आपको बताएंगे। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया था इंग्लिश में दिया गया था, लेकिन बेग एकेडमी ने आपकी सहूलत के लिए उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया और आपको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, साइट के जरिए, बेग एकेडमी डॉट इन साइट के जरिए आपको फ्राहम किया। तो एक और कड़ी उसकी लेते हुए हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं। तो ये इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको और भी वीडियोस हमारे हासिल हो सके। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है टी एस टी आर टी 2017 एसजीटी सिलेबस, सबसे पहले साइंस सिलेबस, जिसमें एक टॉपिक दिया गया है रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंस, साइंस इदारे और शाखें मुख्तलिफ। ये आपको तकरीबन ओल्ड की सिक्स सेवन्थ की साइंस में मिल जाएगा, या आप और कोई भी सिक्स सेवन्थ की साइंस में देख सकते हैं। जानदारों की दुनिया है, ये एक टॉपिक दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ जानवरों के बारे में अगर आप देखें तो ये टॉपिक न्यू बुक्स में भी है, ओल्ड बुक्स में भी है। न्यू बुक्स में अगर देखें तो आप फोर्थ फिफ्थ से मिल जाएगा, आप इसकी तैयारी कीजिए। एक और टॉपिक है हमारा माहौल, जिसमें आपको माहौल, अपनी तहफ़ माहौलियाती, मिट्टी, जंगलात, हयाती तनु वगैरह के बारे में आपको बताया, तमाम डिटेल्स मिलेंगे। इसको भी आप फोर्थ फिफ्थ से तैयारी कीजिए, एट तक आप पढ़ सकते हैं इसका। एक और चीज़ अगर हम देख लें तो ज़रात और मवेशी पालन है, ये छोटा सा टॉपिक होता है, मुख्तलिफ गायों भैंसों के बारे में और कोई ख़ास किस्म की नस्ल के गाय वगैरह भैंसों के बारे में। इसमें अगर हम फसलों के बीमारियां, कीड़े, दवाएं और अशिया वगैरह के बारे में इसमें हम पढ़ सकते हैं। और ग़िज़ा और रिहाइश का ये भी एक छोटा सा टॉपिक होता है, जिसमें आपको यहाँ पर एक बताया गया है, जैसे कि चींटियों और शहद की मक्खियों की समाजी जिंदगी, हैवानती, रिहायशी हालात, बर्फी हालात वगैरह, ये पढ़ना। हमारी कायनात, यानी हमारी कायनात सितारों के बारे में, निज़ाम शमसी, सयारे और धुमधार सितारे के बारे में आप देख सकते हैं। एक और जो टॉपिक है पैमाइश, पैमाइश में मुख्तलिफ इकाइयाँ वगैरह, तूल की पैमाइश, मुख्तलिफ आलात, उनको किस तरह इस्तेमाल किया था, रकबा, हजम, उसके बारे में आप देख सकते हैं। एक और टॉपिक है कुदरती वसाइल, हवा और पानी, यानी हवा, पानी, उनके इस्तेमाल, आलूदगी वगैरह, इसके बारे में आप मुख्तलिफ साइंसदानों के कुलिया, अर्शिमदास का कुलिया, बाइल का कुलिया, बर्नाली की कुलिया, इसमें आपको पढ़ना होगा। और एक टॉपिक है कुदरती मुजाहरे, जैसे कि नूर, नूर के मुख्तलिफ इनेकास, इनेताफ, इनेकास और मुख्तलिफ आयना, ख्याल, उस पर कुलिय वगैरह आप इस पर डिटेल में पढ़ना है। फिर एक और टॉपिक है मेकानियत और हरकियात, इसमें भी कुछ न्यूटन के कुलिये, हरकत, रफ्तार, चाल वगैरह, सिमते के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए। एक और टॉपिक दिया गया है मखनातीसियत, मखनातीस की कुछ चीज़ें आपको फिफ्थ से ही मिलना शुरू हो जाएंगी, आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। फिर बरखी है, जदीद दुनियाई आलात है, मादे की हरारत अमली और कीमियाई तब्दीली की अकसाम है, अलामतें और जाब्ते वगैरह, ये आप ओल्ड की एट्थ क्लास की बुक में आपको डिटेल में इसको आपको मिल जाएगा, या टेंथ की क्लास की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। कीमियाई मुरक्कबात में अगर आप देखें तो ये बकाए मादे की कुलिया वगैरह, ये एट्थ क्लास में मिल जाएगा आपको। पानी और इसके अज्जा, पानी के आमोजिश, पानी के इस्तेमाल, हाइड्रोजन लेबोरेटरी में तैयारी वगैरह, ये आपको ओल्ड की खास तौर पे एट क्लास में मिलेगा, न्यू बुक में भी मिलेगा, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ओल्ड बुक हासिल कीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए। सल्फर और इसके मुरक्कबात, नाइट्रोजन और इसके मुरक्कबात, आम नमक वगैरह, ये जो भी टॉपिक्स है आपको तमाम ओल्ड बुक्स में ज़्यादा मवाद मिलेगा। कई बच्चों का डाउट है कि कौन सा सिलेबस तैयारी की जाए, ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप चाहे ओल्ड हो या न्यू हो, आप टॉपिक को कवर कीजिए, आप चाहे न्यू में से पढ़ो या ओल्ड में से। अगर
देखा जाए अगर आपके पास ओल्ड की बुक अवेलेबल है तो कोशिश ये कीजिए कि ओल्ड में पढ़ें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मवाद मिल जाएगा और आपको तमाम सवाल कवर हो सकते हैं। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है। अगर आपको और कोई डिटेल्स मजीद जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम लिंक दे दिए मेरी साइट के, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और मुख्तलिफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने ऐप का भी लिंक दे दिया है जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स थैंक्स।